दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पोलका डॉट के बारे में, जिसे कि हम सभी लोग डॉट के नाम से जानते हैं। और इसकी रैंकिंग की बात करें तो 13th नंबर पर इसकी रैंकिंग चल रही है और करीब करीब 1.5 मिलियंस लोगों ने इसको वॉच लिस्ट में रखा है। दोस्तों पिछले 2-3 साल से यह टॉप 20 में चल रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त तगड़ा प्रॉफिट भी पहले यह कमा के दे चुका है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि अब यह अगले बुल रैली में, नेक्स्ट बुल रैली में क्या यह हमें प्रॉफिट कमा के दे सकता है। यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यही इम्पोर्टेंट बात आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। सब कुछ विस्तार से बताऊँगा, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और हमारी चैनल टेक टेक सचिन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस चैनल पर आपको इसी तरह क्रिप्टो के रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस हो या फिर अपडेट्स हो आपको यहां पर देखने को मिलेगी। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कीजिएगा, यहां पर भी आपको न्यूज़ हो या फिर जो भी क्रिप्टो के रिलेटेड अपडेट्स हो आपको यहां पर देखने को मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों पोलका डॉट के बारे में जान ले, तो अभी फिलहाल इसकी प्राइस जो चल रही है $5.36 के समथिंग अराउंड चल रही है, और पिछले 24 घंटे में जो कि 2.24% की बढ़ोतरी हमें इस कॉइन में देखने को मिल रही है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको देखने को मिल रही है, इसकी जो इसका जो मार्केट कैप चल रहा है $6.3 बिलियन के समथिंग अराउंड चल रहा है। फुली डायलूटेड मार्केट कैप भी देख सकते हैं $7.074 बिलियन है। वॉल्यूम देख सकते हैं, वॉल्यूम में भी अच्छा खासा बढ़ोतरी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और यहाँ पर सप्लाई वगैरह आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। यह क्या काम क्या करता है आप सभी को मालूम होगा कि इसका खुद का इकोसिस्टम है, पोलका डॉट का खुद का इकोसिस्टम है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यह अब Web 3.0 पर काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। आप सभी को मालूम होगा जैसे कि 2022 के अंत में जो कि ईयर खत्म होते होते ही जो कि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का क्रैश होना, सेंट्रलाइज एक्सचेंज में जो कि फंड का जो कि फ्रीज होना, इस तरह की बहुत कुछ चीज़ें सेंट्रलाइज एक्सचेंज में हो रही थी। तो उसको देखते हुए हमें नेक्स्ट बुल रैली में हमें यह मालूम पड़ता है कि Web 3.0 यानी कि डिसेंट्रलाइज बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करेगा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से दौड़ेगा। तो इसको हम ध्यान में रखते हुए पोलका डॉट पर थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान देने वाले हैं। तो ये थी कुछ चीज़ें। उसके बाद हम अगर इसके चार्ट पर जाकर देखें तो चार्ट पर बहुत कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि फंडामेंटल तो वो रहता ही है एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन उसके साथ ही टेक्निकल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। टेक्निकल भी जान लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए अभी के समय, अब यह कुछ एडवांस चीज़ें हैं टेक्निकल के बारे में, ये आपको उतना ज़्यादा पता नहीं होगा, जिनको मालूम होगा वो उनको पता चल जाएगा। यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है, यहाँ से मैं कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। ओके चलो ठीक है, एक ही मिनट। ओके यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में देखा जाए तो यहाँ से, अब यहाँ से देखिए एक वीकली डिमांड जोन है दोस्तों, यहाँ से प्राइस अच्छी तरह से मूवमेंट हो चुके हैं। वीकली डिमांड जोन में प्राइस अटका हुआ है, इसका अगर इसको हम शॉर्ट में करेंगे तो भी कुछ इस तरह से वीकली डिमांड जोन में प्राइस अटका हुआ है। इसको अगर हम मंथली भी देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको मंथली में कुछ इस तरह से ये डिमांड जोन आपको दिख जाएगा मंथली का। तो ये पूर्ति पूरे का पूरा मार्केट जो है मंथली डिमांड जोन और वीकली डिमांड जोन में अटका हुआ है, तो हमारे लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर हम एज अ एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मंथली डिमांड जोन वीकली डिमांड जोन हमारे लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। यहाँ पर हो गया, ये वीकली डिमांड जोन मंथली डिमांड जोन में मार्केट आ चुका है। अब यहाँ पर हम लोअर टाइम फ्रेम में भी अगर हम कन्फर्मेशन लें तो लोअर टाइम फ्रेम में भी अब यह शिफ्ट हो चुका है मार्केट, यहाँ से जो कि मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ से देखिए मार्केट यहाँ से शिफ्ट हो चुका है दोस्तों, यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है। मैं आपको थोड़ा सा ये बराबर राइट नहीं हो रहा है, ओके ठीक है नो प्रॉब्लम। यहाँ से देखिए मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है, कुछ इस तरह से डाउन ट्रेंड में था
कुछ इस तरह से मूवमेंट दिया, फिर उसके बाद इसको आखिर में ब्रेक करके क्लोज ऊपर की तरफ दे दिया है, तो मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है। लेकिन अभी के समय ये किस तरह से मूवमेंट करेगा आपको थोड़ा समझना होगा। यहाँ से कुछ इस तरह से मूवमेंट करेगा और जैसे जैसे मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया, कुछ इस तरह से मूवमेंट करने की शंका या फिर हम जो कि प्रेडिक्शन लगा सकते हैं, कुछ इस तरह से मूव हो सकता है। क्योंकि और मेरे ख्याल से इस जोन को भी थोड़ा सा तोड़कर नीचे आ सकता है, क्योंकि इसके नीचे बहुत सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, बहुत सारे फंड यहाँ पर पड़े हुए हैं, उनको मार्केट ले सकता है और इस जगह आने के बाद यहाँ से एक मस्त पे के अपट्रेंड में शिफ्ट हो सकता है। तो हमें ध्यान में रखते हुए हमें जो एक इन्वेस्टमेंट बनानी है, मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, वो इन्वेस्टमेंट आपको इस जोन में बनानी है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। मैं आपको बाइंग जोन्स बताऊँगा, थोड़ा ध्यान में रखते हुए बाइंग जोन्स बनाएगा बेहद ज़रूरी है। बाइंग जोन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन्स है दोस्तों, इनको नोट डाउन करके रखेगा। ये वाला जो जोन है, फर्स्ट जो बाइंग प्राइस रहेगी $4.39 से लेकर $4.27 के समथिंग अराउंड यहाँ पर अपनी पहली बाइंग बननी चाहिए। अगर प्राइस यहाँ से गिरकर $3.8 से लेकर $4 के समथिंग अराउंड भी आ जाए तो आपको सेकंड बाइंग करनी है, और थर्ड बाइंग आपको $2.5 से लेकर $3 के समथिंग अराउंड आपको थर्ड बाइंग करनी है। यहाँ पर ये जो तीनों बाइंग है बेहद ज़रूरी है, अगर प्राइस नीचे भी आ जाए तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर बता दूँ आपको, अगर आपका पोर्टफोलियो 1 लाख रुपये का है तो उसमें से 10% इन्वेस्टमेंट आप डॉट कॉइन में लगा सकते हैं। उसके हिसाब से अगर पहली बाइंग आपको मिल जाए तो यहाँ पर आपको ₹3,000 इन्वेस्टमेंट करना है। पहली बाइंग पर आपको ₹4,000 इन्वेस्टमेंट करना है, सेकंड बाइंग पर आपको ₹3,000 इन्वेस्टमेंट करना है और थर्ड बाइंग पर भी आपको ₹3,000 इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आपके पहले बाइंग पर प्राइस मीट हो जाए, यहाँ पर आपको जो कि यह प्राइस मिल जाए तो ₹4,000 तुरंत आपको इन्वेस्टमेंट करना है, और अगर $4 से थोड़ा उठकर $5 को क्रॉस करने लगे तो बचा हुआ और भी ₹3,000 आप लगा सकते हैं। प्राइस यहाँ से इस जोन से रिएक्शन देने लगे डेली टाइम फ्रेम में या फिर वीकली टाइम फ्रेम में तो आप फिर अमाउंट बढ़ा सकते हैं। उसके बाद प्राइस और भी नीचे गिर जाए, $3.8 के समथिंग अराउंड मिल जाए तो फिर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, और $2.5 से लेकर $3 के समथिंग अराउंड फिर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अगर इस तरह से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत ही ज़बरदस्त एज ए लॉन्ग टर्म के लिए आपको बहुत ही ज़बरदस्त तगड़ा प्रॉफिट आपको डॉट कॉइन से देखने को मिल सकता है। एज ए लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए टारगेट्स क्या रहेंगे ये बेहद ज़रूरी है, इसको जानना बेहद ज़रूरी है। टारगेट्स क्या रहेंगे वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, उसको थोड़ा पर बहुत आपको ध्यान में रखना होगा। पहला टारगेट आप एज अ ये जो जोन है, एक्चुअली डेली में बता दूँ तो आपको ये वाला जो हाई है वो पहला टारगेट लेकर चल सकते हैं $8 का। फर्स्ट टारगेट आप $8 का लेकर चल सकते हैं, ओके। फर्स्ट टारगेट $8 के समथिंग अराउंड आप लेकर चल सकते हैं। उसके बाद अगला टारगेट जो कि $12 के समथिंग अराउंड आप लेकर चल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट आप ऐसे ही लिखते हैं। एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मैं आपको बता दो, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मेरे ख्याल से आपको पहला टारगेट है $12 का लेना चाहिए, जिससे कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिले। और यहाँ से मैं आपको बता दूँ तो टारगेट आपको बहुत ही बढ़िया सा मिलने वाले है, जो जो मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ आप उसको मार्क करके रख भी सकते हैं। ऑल टाइम हाई को भी मार्केट जाएगा ही जाएगा, क्योंकि अगला जो रैली है वो टोटली डिसेंट्रलाइज पर होने वाला है, साथ ही साथ BRC के जो भी टोकन से उन पर भी होने वाला है। तो इसमें हमें ध्यान में रखना है, जो ट्रेंड चल रहा है हमें ट्रेंड के साथ दौड़ना है। तो ट्रेंड जो चलने वाला है मेरे ख्याल से ज़्यादातर डिसेंट्रलाइज का जो रहने वाला है, उसके बाद BRC के टोकन भी रहेंगे, जहाँ पर मेम्स कॉइन में आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। हीरो जीरो की तरह आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। मैं BRC के टोकन के बारे में भी वीडियोज़ में ज़रूर लाऊँगा आपके लिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा, अच्छे अच्छे कॉइन्स मैं आपके लिए ज़रूर शेयर करूँगा। तो यहाँ पर देखिए Polkadot, यहाँ पर देखिए ऑल टाइम हाई जो है $54 के समथिंग अराउंड, आपको यह भी टारगेट आसानी से मिल सकता है। लेकिन आपको बिग टारगेट ऐसे लेना है तो $33 के समथिंग अराउंड यहाँ पर आप अपना 50% से लेकर 70% कॉइन्स जो कि आप सेल आउट कर सकते हैं, बचे हुए कॉइन्स को आप एज ए ऑल टाइम हाई के लिए रख सकते हैं। अगर यहाँ से कुछ मार्केट
इस तरह मूवमेंट करते हुए कुछ इस तरह से आपको डाउन ट्रेंड के तरह शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे, तो आपको तुरंत यहाँ पे सेल करना है और बाकी का छोड़ देना है। तो दोस्तों, जो भी कॉइन्स है उनको अगर आप प्रॉपर तरीके से मैनेज करके रिस्क मैनेजमेंट के साथ अगर उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मेरे ख्याल से अच्छा खासा प्रॉफिट आपको यहाँ पर डॉट कॉइन से देखने को मिल सकता है। जो भी बाइंग प्राइजेस थी, जो भी अलोकेशन था, यानी कि जो पूरा पोर्टफोलियो, उसके हिसाब से आपको डॉट कॉइन में कितना इन्वेस्टमेंट करना है वो भी मैंने बताया है, बाइंग कहाँ पर करना है वो भी बताया है, सेल आपको कहाँ पर करना है, टारगेट यानी कि प्रॉफिट बुक कहाँ पे करना है वो भी बताए हैं। डॉट कॉइन में के बारे में जो भी एनालिसिस मैंने किए हैं, ये थोड़ा एडवांस लेवल का एनालिसिस है, और भी एडवांस लेवल का एनालिसिस चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। आपके लिए इससे भी ज़्यादा एडवांस चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और अगला कॉइन कौन से कॉइन के बारे में आपको एनालिसिस चाहिए वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। एंट्री पॉइंट और टारगेट्स मैं आपके लिए ज़रूर बताऊंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। इसी तरह जो कि क्रिप्टो रिलेटेड जो भी वीडियोस हो या फिर जो भी अपडेट्स हो, देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।